जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। नमस्ते सब भाइयों को, और सुनाओ कैसे तबीयत? ठीक है, विज़िट कराता हूँ अपना माल का। तो माल अपना शुक्र अल्लाह का हो गया है 31 दिन का, आपके सामने ये देखें माशाल्लाह मुर्ग बने हुए मुर्ग, इसको कहते हैं अच्छी मेहनत करना। अभी आप हिसाब लगाओ कि ये ऐसे लग रहा है जैसे 35 दिन का। मैंने आपको बताया था कि हम 35 दिन पे 2400 ग्राम निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आपके सामने हर एक वीडियो आपके सामने आ रही है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको एक ही तरफ ठोकी जा रहा हूँ कि मेरी ये मुर्गी होगी मेरी ये होगी, आपके सामने हर एक वीडियो शुरू दिन से लेकर बनाता आ रहा हूँ आपके सामने। अभी ये लगता है कोई कि ऐसे लग रहा है जैसे 35 दिन का माल है, लेकिन इसको कहते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन। छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जा करना, उसको देख के चलाना। तो मैं कहता हूँ आपको कि अगली वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा, एक एक वीडियो की एक एक ट्रिक बताऊँगा आपको। तो मेरा फ़िलहाल भी आपके साथ ही चलेगा, तो एक एक ट्रिक जो बताऊँगा, रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको दिन की रात की इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अब देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त कैसे, अब 31वां दिन आज पूरा होगा, 32वां दिन स्टार्ट होगा। इसमें कोई वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं नहीं माल हमारा हो गया 36 दिनों में, आपको बना बता रहा है 31 दिन का। आपके सामने ही है, हर एक रोज़ वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको, टेज बता रहा हूँ कि इतने एज का मेरा माल हो गया है। तो ये देखें अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त, और अभी फीड चलानी थी हमने चला लिए, अब बर्तन आपको दिखाएंगे, फीड भी खाली बिल्कुल खा पी के बैठा हुआ। अभी तो ये उठा इसलिए मैं अंदर चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल फीड चलाई, यहाँ पर खाली है, फीड चला दी है। तो फीडों के बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे, बर्तनों में भी फीड इतनी नहीं है। कोई भी इसके अंदर शुरू दिन से आपको मैंने दिखाया कि कोई साइजिंग नज़र नहीं आ रही है, वही माल है। अभी देखो फीड भी खाली है, और इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा कोई साइजिंग नज़र आ रही है। राज से 19-20 है कि कोई मादे है कोई नर है, तो उनमें 19-20 आ गया। बाकी ये नहीं होता है, मिसाल तौर पे 2100-2200 ग्राम तो दूसरा 1700 ग्राम, ये इसको कहते हैं साइजिंग। जो एक होती है मतलब 2200-2300 ग्राम की, और दूसरी बंडी 1600-1700, वो होती है बिल्कुल साइजिंग है। वो साइजिंग माशाल्लाह कोई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फीड बीड में पानी में सर चीज़ों में अगर थोड़ा बंदा तवज्जा दे के थोड़ा करेगा तो ये हो रहा है। अब सामने नज़र आ रहे हैं, देख बिल्कुल फीड भी बिल्कुल खाली है। देखें तो भाईजान, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात बता रहा हूँ कि भाई ये परिंदे होते हैं, जानदार चीज़ें होती है, तो इसको जो चलाना एक छोटी सी लापरवाही इंसान को बड़े समझ लो 5-7 दिन पीछे कर लेती है। छोटी सी अगर लापरवाही थोड़ी सी करते हैं तो 5-7 दिन का गैप समझ लो पीछे आ जाता है। मिसाल तौर हमारा 35 दिन का माल 30 दिन का लगता है, क्योंकि वो सीधा होने में बड़ा टाइम लेता है। ये पंखे हमारे चल रहे हैं, सारे के सारे पंखे चल रहे हैं, एक पंखा बंद 9 पंखे चल रहे हैं, एक बंदा पंखा बंद इसलिए उसका शटर टूटा हुआ सामने नज़र आ रहा होगा आपको, उसका फैन बोल्ट टूट गया है तो वो लगवाना है, लगा चलाना अभी 10 दिन, क्योंकि जवान मुर्गी है, इसकी जितनी हवा मिलेगी इतनी रिलैक्स होकर बैठेगी। फीड खा के जो देखो अभी सारी बैठी हुई है, क्योंकि फीड खा पी के पानी वानी पी के बैठी है। अब जिसको पानी पीना है
वो जाके पानी वानी पी लेती है, लेकिन रिलैक्स होकर जो वज़न है जो बनाता है यही ऐसे ही मुर्गी वज़न बनाती है, जो रिलैक्स होकर बैठ जाती खा पी है। हमें हमारा ये होता है कि अक्सर अंदर चलते रहते हैं, ऊपर से फीड खिलाते हैं, फिर फीड खाई चलाई वरी चलाई वरी चलाई, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फीड वैसे भी चला चला के मुर्गी की हालत हो जाती है, सुकून से फीड वीड खा के सुकून से जाके बैठ जाती है, वज़न करती है और उसमें ही वज़न अच्छा होता है। पानी माशाल्लाह प्रेशर फुल है, जवान मुर्गी होती थी प्रेशर फुल ही रखना होता है, जितना प्रेशर फुल होगा पानी का इतना ही मुर्गी को पानी मुंह भर के पानी आएगा, जितना पानी आएगा इतनी वो, क्योंकि फीड जब खाती है तो मुर्गी गर्माश होती, पानी इसको ज़्यादा में ज़्यादा चाहिए, 1% फीड खाए 3% पानी मिले इसको। भाईजान ये है पानी, पानी का मसला, जो पानी ज़्यादा में ज़्यादा देने से फ़ायदा होता है, क्योंकि फीड आपको पता है हमारा ब्रेड पहले गर्माश में ज़्यादा होती है और फीड ऊपर से गर्माश उसमें भी होती है, अगर टाइम पे पानी नहीं मिलेगा ज़ाहिर बात है वज़न थोड़ी करेगा। पानी का प्रेशर मुर्गी के मुताबिक बढ़ाते जाएं, फुल बढ़ाते जाएं, जाके मुर्गी जवान हो जाए तो फुल निप्पल भर के पानी आए, पानी जैसे पिएगी रिलैक्स होगी, उसको ठंडक आएगी, क्योंकि खुशियालियत होती है तो उसी में वज़न अच्छा बनाती है। और ये मेरी मुर्गी आपके सामने, हर एक वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताता आ रहा हूँ, अब फीड खा के रिलैक्स होकर बैठी हुई है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपने सेहत का ख्याल रखें।